की कमी को लेकर लगातार बात होती है। जहां अस्पताल हैं, वहां उनकी हालत पर सवाल उठते हैं, चाहे वो अस्पताल इंसानों के लिए हो या पशुओं के लिए। सरकार ने पशुओं के लिए अस्पताल की कमी दूर करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत सूबे की सरकार 100 नए मंडलीय पशु अस्पताल बनाने जा रही है। इसके साथ ही पुराने पशु अस्पतालों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल बनाए जाएंगे। इनमें पशु चिकित्सकों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था होगी। विभाग के अधिकारी की माने तो इस तरह के अस्पताल बनाने से किसान भाइयों को पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य की सरकार चौथे कृषि रोडमैप के जरिए पशुपालकों को पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। विभाग के द्वारा मिली जानकारी की माने तो एक अस्पताल बनाने के लिए करीब 1,25,00,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अभी तक राज्य में करीब 1,100 के आसपास पशु अस्पताल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय बढ़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है और इसकी अहमियत लगातार बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन रोजगार का सफल माध्यम बन रहा है, लेकिन अधिकांश जिलों में पशु के स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर व्यवस्था नहीं होने से पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से पार पाने के लिए नए अस्पताल बनाने की योजना है। राज्य में 100 नए अस्पताल बनाने को लेकर सरकार ने बजट की राशि भी दे दी है। इसके साथ ही अब सूबे के सभी जिलों में चिन्हित जमीन पर पशु अस्पताल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी अफाक आलम ने कहा कि मंडलीय पशु अस्पताल में सभी पशुओं का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही यहां ब्लड जांच घर, एक्सरे समेत अन्य कई तरह की सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं 2 मंजिला बनने वाले अस्पताल में इलाज के साथ डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था होगी, ताकि डॉक्टर इमरजेंसी में भी पशुओं का इलाज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।